मित्रों देखिए, जैसा कि हमारे एग्जस्ट फैन की बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड है इसमें, तो इस डाटे को जानने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों टेक्निकल राकेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देख रहे हैं जैसा कि आज मेरे पास एक 24 स्लॉट एग्जस्ट फैन का स्टार्टर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इसका बाइंडिंग डाटा देने वाला हूँ। तो देखिए जैसा कि इसकी पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए विंटेज कूल कंपनी का स्टार्टर, सिंगल फेस एसी इंडक्शन मोटर है दोस्तों, फॉर जनरल पर्पज। मित्रों देखिए इसके आरपीएम है जो मैक्सिमम स्पीड इस पे लिखा हुआ है 1400 आरपीएम है। कैपेसिटर इसको 6 mFd का लगेगा, 440 वोल्ट का। और जो इसके डायरेक्शन है जो एंटी क्लॉक वाइज, यानी कि ये उल्टा घूमता है। तो चलिए अब इसका आपको बाइंडिंग डाटा बता देता हूँ। देखिए जो इसका स्टार्टर साइज है जो करीबन दोस्तों 1.25 इंच है, यानी कि 35 mm। चलिए दोस्तों एग्जस्ट फैन की बाइंडिंग के लिए टोटल आपको 8 कॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। ये मित्रों रनिंग की कॉइल है, ये 4 आपकी स्टार्टिंग की कॉइल है। जो मित्रों इसमें जो रनिंग में मैंने SWG यूज़ किया है, जो मित्रों 26 नंबर एलुमिनियम है, और इसमें मित्रों 80 टन लगाए हैं। यदि आप इसमें कॉपर डालना चाहते हो तो इसमें मित्रों 27 नंबर कॉपर वायर लगेगा आपका करीबन 400 ग्राम। मित्रों इसमें जो कॉइल पिच रहेगा वो आपका 1-4 में 2 राउंड, 1-6 में 3 राउंड। इसकी जो कॉइल साइज है जो गोलाई में 42 इंची है। देखिए ये रनिंग की 4 कॉइल लगेंगी आपको रनिंग के लिए। और चलिए मैं आपको स्टार्टिंग का डाटा बता देता हूँ। ये स्टार्टिंग की कॉइल है मित्रों, इसमें जो मैंने SWG यूज़ किया जो 28 नंबर एलुमिनियम है। अगर आप इसमें कॉपर डालना चाहते हो तो इसमें आपका 29 नंबर कॉपर वायर लगेगा 300 ग्राम। तो मित्रों इसमें मैंने 28 नंबर एलुमिनियम वायर से 100 टन लगाए हैं। इसका जो कॉइल साइज है गोलाई में 34 इंची है। इसका जो कॉइल पिच रहेगा जो 1-4 में मित्रों 1 राउंड, 1-6 में मित्रों आपके 3 राउंड आएंगे। मित्रों इस डाटे में इसकी बहुत ही अच्छी स्पीड होगी और मोटर हीट भी नहीं होगी बिल्कुल भी। यदि आप इस डाटे से बाइंडिंग करते हैं तो आपकी मोटर की लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। और मित्रों आप समझ सकते हैं जैसा कि यदि मोटर हीट नहीं होगी तो उसकी स्पीड भी, उसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी और स्पीड भी इसमें काफ़ी डाटे में काफ़ी अच्छी स्पीड आएगी। तो चलिए अब मैं आप इसकी बाइंडिंग की वीडियो, जो छोटे कूलर की तरह भी होती है, इसका करीबन 20 mm के जो कूलर आते हैं कूलर किट, उसकी तरह ही इसका बाइंडिंग का तरीका है। बस आपको इसका कॉइल साइज बढ़ा दिया है। जैसा कि आपको फुल वीडियो देखना है इसकी बाइंडिंग का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो का, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसकी बाइंडिंग में कर ले। मित्रों देखिए जैसा कि एग्जस्ट फैन की बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारे, और जो मित्रों न्यू बाइंडर होते हैं उनको इसमें ख़ास ख्याल इन बातों का रखना है। देखिए जैसा कि वो ज़्यादातर यहाँ पर मित्रों वो डॉक्टर टेप आता है जो चिपकने वाला, उसका यूज़ करें, वो पेपर ना डालें क्योंकि ये सही से बैठता नहीं है। अगर आप न्यू बाइंडर हैं तो यहाँ पर कॉटन टेप या जो मेडिकल टेप आता है उसका यूज़ करें चिपकने वाला। देखिए ये टैप यहाँ, ये मित्रों सीट अच्छे से बैठती नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ग्रीन सीट को टुकड़े काट के अच्छे से फंसा दिए, पूरा नीचे तक बैठा दिया है। और इसको बाइंडिंग करने के बाद आपको देखिए यहाँ से इन होल्स का काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से जब स्टड डालेंगे हम जब इसको फिटिंग करते समय तो कहीं ये वायर इधर ना फैला रहे इस तरफ। देखिए जैसा कि मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है, यदि स्टड से मान लीजिए हम होल से स्टड से इसको फिटिंग करते हैं इस होल डालकर, तो ये इसमें बाइंडिंग में नहीं अड़ेगा। यदि इसमें अड़ गया तो मित्रों आपकी बॉडी में करंट आएगा और आपकी मोटर जल सकती है, तार कट सकता है, छिल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनको मैंने काफ़ी दूर रखा है और इस साइड से भी आपको
इन होल्स से इसको अच्छे से सेट कर देना है। देखिए ये थोड़ा सा पास में है, फिर भी मैं इसको अच्छे से दबा दूंगा। आप चाहे तो मित्रों इसको पीवीसी हैमर की मदद से इसको अच्छे से सेट कर देना, ताकि ये इधर उधर फैले ना रहे, और कहीं ये बॉडी से टच हो गए तो आपकी बॉडी में करंट आ सकता है। तो मित्रों ये थी एग्जस्ट फैन बाइंडिंग की फुल वीडियो, इसका बाइंडिंग डाटा। तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।